आप बताएं जनाब। अच्छा बोलना भी बोल ही नहीं रहा। ये वो आवाम है जो थकी हारी बैठी है कह रहे हम बोलना भी नहीं। ना 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 जान एक सेकंड ना। जनाब कैसे आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार बाजार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नवाज शरीफ साहब को लेकर उनका फेस सामने रखकर आपके जहन में एक लाइन कौन सी आती है? करप्ट। और इमरान खान साहब को? उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा। आप बताएं जनाब। सेम जवाब है जी। सेम जवाब। उन्होंने तो पता क्या आपको सुनाई नहीं दिया, कोई नया जवाब दे। समझ आ गया वही है सेम जवाब। नहीं, खान साहब का चेहरा जहन में रखे ना, उनकी बातें जहन में रखे और एक लाइन आपके जहन में जवाब आ रही है। ये झूठे निकले। और शरीफ ब्रदरान? वो भी ऐसे ही हैं, दोनों सेम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेराब हबीब। आप देख रहे हैं टीवी पर तमाशा। काउंसलर के इलेक्शन के बाद एक दफ़ा फिर मैं आवाम के साथ और बाजार के जो मजदूर तबके उसके साथ मौजूद हूं। ये शूज़ वगैरह की इनकी दुकान से पूछते हैं कि इमरान खान के बारे में और नवाज शरीफ के बारे में सिर्फ एक जुमला पूछना है कि उनके बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान के बारे में एक जुमला आपने कहने, क्या कहेंगे? उसकी हुकूमत सही जा रहे हैं। नवाज शरीफ? उसने कुछ नहीं किया ना, 25 साल हुकूमत की जिट रोड उस तरह ख़राब है। जैसे रोड का मसला है? रोड का भी मसला है और काम भी उसने हुकूमत का भी कोई काम तो नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ के बारे में? यार वो ये हमारा रोड सही करो बस, हमारे हम सारे से खुश है। अच्छा, रोड ठीक करवा दे नवाज शरीफ के साथ। और इमरान खान? इमरान खान हमारे दिल से पसंद है बस। हम बुरी तरीके से आ रहे हैं सारे? नहीं यार, काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। आप क्या कहेंगे इमरान खान के लिए? चल आप तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा, थोड़ा सलाह करना चाहिए, सिस्टम ठीक हो जाएगा। गरीब बंदा तो मर रहा है। नहीं मर रहा, अल्लाह बेहतर करेगा, थोड़ा सा सलाह करें, इंशाल्लाह सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। और नवाज शरीफ? नवाज शरीफ भी अपना हुकूमत के टाइम पे ठीक थे। नहीं, हम कह रहे कि वो बुरे खान साहब इस मौजूदा वक्त में बहुत जरूरी है। आप बताएं जी क्या कहेंगे नवाज शरीफ के बारे में? नवाज शरीफ के बारे में मैं ये कहते हूँ कि उसको हुकूमत भी ठीक था। अब ख्याल आ रहा है अभी भी बस इमरान खान की ठीक है चल रही बस। इमरान खान इस आवाम के लिए जो है ना चमड़ा निकाल के आया, निकालेगा चमड़ा निकाल दिया कि इसको रुलाऊंगे इंशाल्लाह, सबको रुलाएगा, सबको रुला दिया। और नवाज शरीफ के बारे में? नवाज शरीफ भी इससे बढ़ गए। क्या बढ़ गए? वो चूरी में। अच्छा चूरी में, मतलब क्या चोरी में? ये चेप क्या चीज़ बात इस तरह की है मेरे भाई, इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए थे कंटेनर पर चढ़ के, तो कंटेनर पे चढ़ने का फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, आटा चीनी है। उस टाइम तो आप कह रहे थे कि बिल फाड़ दो, अब बिल को क्या करें, हमारे लिए क्या हुक्म है खान साहब? नवाज, हाँ नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, हम नवाज शरीफ के साथ हैं। नहीं, आपने तो सारे वोट खान साहब को दिए। नहीं हमने नहीं दिए, हमने अपनी वोटें इमरान नवाज शरीफ को डलवाई हैं और हम उन नवाज शरीफ के फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे चोरी, अच्छा वो जो चोरी छोरी वाला सिलसिला है उसके बारे में क्या कहेंगे? चोरी नहीं की है, नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत तरक्की याफ्ता काम किए। वो उसी का तो कर्ज इमरान खान अभी तक उतार रहा है, वो जो खा कर गया है। इमरान खान से खुश नहीं है मेरे भाई, हम खुद खान हैं, हम उनसे खुश नहीं। नहीं खान तो मैं भी, मेरा नाम मेहराब हबीब खान है, लेकिन वो जो चोरी करके गया है नवाज शरीफ, उसका कर्ज अभी तक इमरान खान उतार रहा है। इसी वजह से महंगाई है, उसी वजह से टैक्स है। कुछ नहीं किया इमरान खान साहब ने, ठीक है। ये माल लेके गरीब तबका मुतासर हो रहा है, गरीब तबका मर रहा है, लेकिन कर्जा वही उतार रहा है अभी तक। यार अब वो इमरान खान साहब अब हार चुके हैं। क्या कहोगे इमरान खान, अब क्या सपोर्ट करोगे इमरान खान को? नहीं करोगे? सपोर्ट करेगा ना? जवाब दो ना उसको फिर। करेगा ना? क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? इमरान खान को फेल कर चुके हैं। इमरान पहले जलसे में मेरा साथ गए, ये इमरान खान के जलसे में मेरा साथ गए, इसने झंडा पकड़े इंजन का, अभी घबराने। सुनो इमरान खान साहब वजीर आजम बन रहे थे, मैंने सबको बोला था ये ब्लंडर है और ब्लंडर से काम नहीं चलता, अमली काम करना पड़ता है मेरे भाई। नवाज शरीफ साहब ने बहुत तरक्की याफ्ता काम किए हैं, ठीक है। खान इमरान क्या कह रहे हैं? अब वोट इस नहीं दिया, प्याला नहीं दिया, छोटा था हमारा किफ्तान आ रहा है, किफ्तान आ गया, किफ्तान आ रहा था ये। इज द बेस्ट मैन, बेस्ट मैन, बेस्ट मैन, वो कोई नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन आदमी है, अच्छा बंदा था। इसको क्रिकेट खेलने दो, ये क्रिकेट के काबिल है, ये नवाज शरीफ इमरान खान वजीर। सारी बातें ठीक है, चोरी तो नहीं की ना इमरान खान ने? चोरी की या नहीं की वो तो उसको पता है, मगर इमरान खान साहब उनको इस्तीफा देना चाहिए और नवाज शरीफ बेस्ट मैन, अच्छा आदमी है। हाँ एक बात बताया, वो बाहर से इधर क्यों नहीं आते वापस? किस चीज़ का? इन्होंने भगाया हुआ है ना उनको, वो तो कहते हैं आओ, वो तो इंतजार कर रहे हैं। यार इन्होंने तो उनको भगाया हुआ ना इमरान, नहीं भगाया हुआ, वो तो कह रहे जिस दिन आया मैं तो इंतजार करूँ, फूलों की प्लेट लेके खड़ा। नहीं अभी जो इलेक्शन होंगे ना, ये बात मैं आपको बता दूं जो वो सुन रहे हैं, नवाज शरीफ इस दफ़ा फिर वजीर आजम बनेगा, उसकी बेटी जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा अभी तक ये बताया कि मरियम नवाज ने क्या करवाया? मरियम नवाज जलसों में आके फूफ आगे, मरियम नवाज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जो खुशी है ना ये कोई और चीज़ है। नहीं बात सुनो, मरियम नवाज को जब कोई ओहदा मिलेगा, कोई तरक्की मिलेगी तो काम करेगी ना। अब इमरान खान की हुकूमत है ना, वो इलेक्शन लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ती इलेक्शन? वो इलेक्शन लड़ेगी ना इंशाल्लाह, जीतेंगे, शेर के साथ है। किसको दोगे वोट, इमरान खान नवाज शरीफ?
इमरान खान। हम शेर को वोट देंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कुल्फियां माशाल्लाह अच्छी बिक रही हैं। जी अच्छी बिक रही हैं। इमरान खान साहब के बारे, इमरान खान साहब का जब चेहरा जहन में आता है तो कौन सी लाइन जहन में आती है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कह रहे हो, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। महंगाई ज्यादा उनकी वजह से। और नवाज शरीफ के बारे में? नवाज शरीफ अच्छा था, महंगाई कम था। पहले वोट तो आपने खान साहब को दिया, बस गलती की है। मोहल्ले का दिलवाया है, घर वालों को भी दिलवाया। अब हंस रहे हो। बस अगला वोट किसको है? इंशाल्लाह इमरान नवाज शरीफ को। इमरान खान मुंह से निकलता तुम्हारे ना। प्यार बहुत ज्यादा है। किसको देना वोट? मैं तो इंशाल्लाह इस दफा देसा नवाज शरीफ को। क्यों? पहले तो पूरे घर का दिलवाया था इमरान खान को। नहीं पता क्या, इमरान खान ने बहुत जलील किए हुए, सही है, क्योंकि ठीक है नवाज शरीफ के दौर में महंगाई इतना नहीं था। गरीब बंदा बहुत मुस्तासर हुआ है। ठीक है 8,000 रुपया इस मशीन का। खाली मशीन का 8,000 रुपये बिल है। मेरे पूरे घर का 8,000 रुपया आया था। वाह, आप काम करें, आपको तंग करूँ कैसे? ठीक है। अगर इमरान खान साहब का चेहरा जहन में आता है तो कौन सी लाइन जहन में आती है आपके? इमरान खान का शेख रशीद ही जहन में आते हैं, और क्या आते हैं? अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो कौन सी लाइन आपके जहन में आती है? नवाज शरीफ ही आती है, और क्या आते हैं? इमरान खान साहब का चेहरा या ख्वाब में आते हैं तो कौन सी लाइन मुंह से निकलती है आपके? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और नवाज शरीफ साहब? माशाल्लाह। नहीं ना, इसके अंदर लीडर है हमारे। ना ना, आपने सपोर्ट किसको किया था? हमने नवाज शरीफ को। तो अब जब रिएक्शन देखते हैं नवाज शरीफ के सपोर्ट, अपना जो इमरान खान के सपोर्टर्स का, फिर क्या कहते हैं? और ये इस महंगाई को देखते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं वो बेहतर था हमारे लिए नवाज शरीफ। इमरान खान कोई नेक तमन्नाएं नहीं? नो नो नो। आवाम मर रही है इस वजह से? खान साहब ने कहा घबराना नहीं है आपने। तो नहीं घबराया आप? नहीं नहीं, आवाम घबरा रही है अभी। है हमारे में कुव्वत है, अभी कुव्वत है। हाँ गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। अगला वोट किसको होगा? इमरान खान को नहीं देंगे। अच्छा, अगला वोट भी इमरान खान को नहीं देंगे। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा एक रिव्यू था मजदूर तबके का, जो कि डेली बेसिस पे अपना कमाते हैं। इनका क्या रिव्यू था कि अगला वोट इमरान खान को, नवाज शरीफ को है? क्या ख्यालात उनके बारे में, इस दौर के बारे में जिस मजदूर मर रहा है, गरीब बंदा मर रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।